इस वीडियो में हम सुनेंगे माँ के छठे रूप माँ कात्यायनी की कहानी। महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर आदिशक्ति ने उनके यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए वे कात्यायनी कहलाती हैं। नवरात्रि में षष्ठम दिन इनकी पूजा की जाती है। चंद्रहास नामक तलवार के प्रभाव से माँ का हाथ चमक रहा है। श्रेष्ठ सिंह माँ का वाहन है। देवी कात्यायनी के पूजन से भक्त के भीतर अद्भुत शक्ति का संचार होता है। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत दिव्य और स्वर्ण समान चमकीला है। इनकी चारों भुजाएं भक्तों को वरदान देती हैं। इनका एक हाथ अभय मुद्रा में है तो दूसरा हाथ वरद मुद्रा में है और अन्य हाथों में तलवार तथा कमल का फूल है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि देवी कात्यायनी और श्री कृष्ण के बीच एक अनोखा आध्यात्मिक रिश्ता है। भगवान श्री कृष्ण जैसा पति पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने भी इन्हीं की पूजा की थी। ये पूजा कालिंदी नामक यमुना के तट पर की गई, इसलिए ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में माँ कात्यायनी प्रतिष्ठित है। दुर्गा के इस रूप कात्यायनी को आयुर्वेद औषधि में भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि अम्बा, अम्बालिका, अंबिका, माचिका भी कहते हैं। कात्यायनी कफ, पित्त, अधिक विकार एवं कंठ के रोगों का नाश करती है। ज्योतिषाचार्य के अनुसार कोई भी विवाह योग्य कन्या माँ कात्यायनी का पूजन कर सकती है और इसके लिए किसी विशेष अनुमति अथवा दान का बंधन नहीं है। केवल श्रृंगार सामग्री एवं पूजन सामग्री से ही माता का पूजन फलदायी हो सकता है। आइए सुनते हैं देवी कात्यायनी की पौराणिक कथा। कथा के अनुसार एक समय कत नाम के प्रसिद्ध ऋषि हुए। उनके पुत्र का नाम था ऋषि कात्य। उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध कात्य गोत्र से विश्व प्रसिद्ध ऋषि कात्यायन उत्पन्न हुए। वैसे तो हमारे शास्त्रों में देवी को अजन्मा माना गया है, लेकिन कात्यायन ऋषि की तपस्या और अनुरोध पर देवी ने अपना अजन्मा रूप त्याग दिया और ऋषि के कुल में जन्म लिया। महर्षि कात्यायन ने देवी का पालन पोषण किया। जब महिषासुर नामक राक्षस का अत्याचार बहुत बढ़ गया, तब उसका विनाश करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपने अपने तेज और प्रताप का अंश देकर देवी को उत्पन्न किया और ऋषि कात्यायन ने भगवती जी की कठिन तपस्या पूजा की। इसी कारण से ये देवी कात्यायनी कहलाई। महर्षि कात्यायन की इच्छा के अनुसार और उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर अश्विन कृष्ण चतुर्दशी को जन्म लेने के पश्चात शुक्ल सप्तमी, अष्टमी और नवमी तीनों दिनों तक कात्यायन ऋषि ने इनकी पूजा की। दशमी को देवी ने महिषासुर का वध कर दिया और देवों को महिषासुर के अत्याचारों से मुक्त कर दिया। आप सभी को नवरात्रि के छठे व्रत की शुभकामनाएँ।